सो हेलो गाइस, आज मैं हूँ हाई पिक्सल में और ये है मेरा हाई पिक्सल का आइसलैंड। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास इतने सारे और ये मैक्सिमम कैपेसिटी है इस सर्वर की कि मैं 12 मिलियन से लगा सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं इन सब आइटम्स बेचने वाला हूँ जो है कलेक्ट करके रखता हूँ और देखता हूँ कि इस वीडियो में मुझे कितना प्रॉफिट हो पाएगा। मैं अभी बीच मिनियन से स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं आपको सब मिनियन का आइटम कलेक्ट करके 2000 years later। ओके गाइस, मैं अब सब मिनियन का माल कलेक्ट कर लिया तो मेरे पास अब टोटल इतना माल हो चुका, इतना आइटम से तो बहुत सारे मतलब तो चेस्ट के अंदर इतने सारे आइटम्स है, लेकिन मैं उन सबको बेचने नहीं वाला क्योंकि मेरे पास कुछ होना तो चाहिए ना प्रॉफिट, मतलब बाद में नहीं। रखने के लिए, तो इसलिए मैं पूरा नहीं बेचने वाला, थोड़ा ही बेचूंगा। गाइस मेरे पास ये 4 मिनियन है और जो कमेंट करेगा उसमें से मैं एक बंदा पिकअप करूंगा और उसको ये गिव अवे कर दूंगा और आईपी पोर्ट भी है। तो गाइस मैं बाजार में जाने वाला हूँ इसको बेचने के लिए और देखते हैं कि ये कितने में बिक जाएगा। तो बाजार में तो मैं मतलब हब में आ गया हूँ मैं और अब बाजार वाले को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतना मतलब पता नहीं है इस जगह के बारे में क्योंकि मैं अभी आया हूँ, लेटेस्ट इंसान हो गई। तो जरा ढूंढते उसके बाद मिल जाएगा अपने वो गाइस। उधर ही है, मिल गया। ओ शिट, ये क्या हो रहा है। तो गाइस मेरा लेवल ही इतना कम है तो मैं क्या करूँ, मैं बोला ना मैं अभी आया हूँ, हो जाएगा। तो मैं दूसरे बंदे को बेचना पड़ेगा, देखते कितना प्राइस देता है। ये माइनर को बेचता हूँ, वो उधर माइनर है तो भाई अच्छी प्राइस देना यार। गाइस इसका सेल ऑप्शन ही नहीं ऑन हो रहा है और गाइस फिर मेरी सेटिंग में जाना पड़ेगा तो इसमें देखते कितना आएगा अपने। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ शॉप में कितना आएगा। तो पहले इसको इन्वेंटरी जो नीचे की होती है उसको ऊपर करता हूँ क्योंकि ईजी हो बाद में। तो यार ये तो बेच नहीं रहा, अभी चेक करता हूँ ये होता है कि नहीं, शायद ये है कि पता नहीं, नहीं हो रहा। ये ग्लिच है गाइस, ये ग्लिच है इसके अंदर। और फिर मैं शॉप में जाकर देखता हूँ। ओके यस, अभी सेल प्रोग्रेस हो रहा है गाइस। क्या लगता है कितना मिलेगा? मुझे लगता है यार 5000 मिल जाएगा इसका, बहुत कम है यार। मुझे गाइस मतलब एक दिन का 50000 आ जाता है इसके अंदर। जल्दी भरता हूँ और देखते हैं कि प्राइस कितना मिलेगा ये। और बीच लॉक भी दे देता हूँ, कट कर देता हूँ। ओहो गाइस करीब 5000 तक ही मिला है, नहीं नहीं 4000, हाँ 4000 मिला है गाइस अपने को। तो अभी मैं बैंक में डिपॉजिट करके आता हूँ क्योंकि ये सब सामान मतलब पैसा लेके घूमूंगा ना तो एक बार नीचे गिर जाऊँगा ना, पूरा हाफ मनी कट होता है यार, बहुत पैसा अरे ओ भाई 5000 आ गया यार, मुझे लगा नहीं था। तो ओके अभी मैं ऑक्शन में जाके आपको दिखाता हूँ कि ऑक्शन कैसा होता है इधर का। इधर मतलब सब है, ऑक्शन है, पीवीपी अरीना है, बैंक वाला है और आपको जाने के लिए मतलब वो होता है ना पोर्टल, वो भी है एंड पोर्टल टाइप। ओके तो ऑक्शन मतलब अलग है, मतलब पता नहीं इसका है ना, जो अगर आपको सेल में आइटम डालना होगा ना तो बहुत महंगा होता है। गाइस रेडस्टोन मिनियन देखो कितने का बेच रहा है, 36000 का। भाई मैं सस्ते में ला दूंगा। और मॉन्स्टर स्पॉनर 6 लाख का बेच रहे, 60000 में मिलता है। और गाइस ये 80000 में डीलर वन लगा दिया तो 80000 में बेच रहा है भाई साहब। फायर आग बेच रहा है ये 2 लाख में गाइस, ऐसे मतलब क्या बोलूँ यार, बहुत खाते हैं यार ये लोग। मुझे ऑक्शन लगाना नहीं आता, नहीं तो मैं भी लगाती था मेरा आर्मर का, उसमें भी आया था ढंग से पैसा। ओके तो अभी हम बाहर मतलब मैं बाहर निकलता हूँ अभी और आपको पीवीपी दिखाता हूँ, पीवीपी अरीना कैसा होता है इधर का। तो फिर से मैं जाता हूँ ये डेडपूल भाई के पास। हेलो, मतलब मेरे पास कुछ है तो नहीं अभी पीवीपी करने के लिए, वैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, बस इधर से बाहर कैसे निकलने का ना वो मुझे पता ही नहीं है। तो अब वो ढूंढना पड़ेगा रास्ता किधर से निकलते हैं। और गाइस अगर आप इधर तक वीडियो देख ही लिए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। वो इनविजिबल ब्लॉक लगाया गाइस, ओ भाई साहब इनविजिबल ब्लॉक। अरे आ गया अंदर, चाल है भाई। अभी मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ तो ये स्टेयर्स, अरे यार ये तो बाहर नहीं निकल रहा। तो
मैं अभी ढूंढता हूँ, रुको, ये भी नहीं यार, ये कहाँ गया रास्ता, मुझे ढूंढना पड़ेगा। अरे यार गाइस, क्या हम लोग फंस तो नहीं गए? नहीं 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 मिल गया, लेकिन ये पीछे का है, आगे का रास्ता मिलना चाहिए था जहाँ से हम, नहीं वो तो पूरा पैक था ना, तो मिनियन मिनियन से ज़्यादा माल नहीं आ रहा है। तो मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ, ये वैन पिक्सल की एक ट्रिक है। तो आपको है ना किसी के भी आइलैंड पे जाने का है, और मैं आ गया, ये नहीं नहीं ये तो न्यू प्लेयर है, मतलब ओल्ड प्लेयर जो होगा ना प्रो, उसके आइलैंड पे जाने का है। तो देखता हूँ, वो भाई यूट्यूबर वो, लेकिन हमारा कुछ काम नहीं है अभी, तो अभी देखते हैं कि कौन कोई प्लेयर मिल रहा है क्या अच्छा, उसके आइलैंड पे जाके बताता हूँ आपको कैसा करना है। तो गाइस मैं इसके आइलैंड पे आ गया हूँ, और अभी रुको, अभी 2 मिनट, अभी आपको दिखाता हूँ कमाने की ट्रिक। एक डायमंड स्वॉर्ड दे दिया यार एन्चेंटेड, हेलो हेलो अमन, एक डायमंड स्वॉर्ड दे दे एन्चेंटेड, रुको, एक डायमंड एन्चेंटेड स्वॉर्ड दे दे, स्वॉर्ड दे दे यार, ओके, तो मैंने उसे सेंड कर दिया। अब देखो बस मैं दे देगा ये, अगर होगा तो उसके पास, हाँ चेस्ट में देख रहा है, मतलब गाइस होगी होगी, दे रहा है, रुको रुको, ये चेस्ट में होगी, नहीं नहीं नीचे वाले में होगी, रुको देखने दे उसको, नहीं है नहीं है, अरे मैं नहीं है भाई इसके पास, ये दूसरा कुछ देगा। अरे भाई डायमंड दिया गाइस ये बंदे ने, बस ऐसे ही कमाओ बस, और ये जाके बेच दो, मतलब इससे ज़्यादा मिनियन मेरे पास है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जाके बेच दो, ओके, नहीं ये बोल रहा है ये इसके पास, तो ये जाके बेच दो, आपको माल मिल, मतलब पैसा तो मिलेगा, ऐसे ही करते रहो बस। मैं इसको मेरे आइलैंड पे बुलाता हूँ, लेकिन मैं मेरे आइलैंड पे जाने नहीं वाला, मैं दूसरे किसी के आइलैंड पे जाता हूँ, रुको इसके आइलैंड पे जाता हूँ। ये प्रो, ओ भाई साहब ये क्या है, ओ भाई ये बहुत ही ज़्यादा प्रो है भाई, बहुत खतरनाक आइलैंड बना के रखा है यार, ओ भाई साहब क्या एंट्री है, गेट देख रहे हो गाइस, एमरल्ड डायमंड के ब्लॉक से गेट बना है, और मिनियन देखो कितने सारे भाई साहब, मतलब है तो उतने ही मेरे पास जितने, क्योंकि लिमिट है ना वो, लेकिन मस्त है यार आइलैंड इसका, और वो हार्ट भी बना के रखा है पीछे मेरे, वो भी है एक होता है ना वो होता है वो, चलो अब दूसरे के आइलैंड पे जाके देखते हैं इसका भी आइलैंड। नहीं नहीं ये तो नॉर्मल बंदा है यार, ये तो अभी स्टार्ट किया है, रुको अब दूसरे के आइलैंड पे जाके दिखाता हूँ आपको, नैतिक प्रो करके कोई है, उसका आइलैंड लॉक है यार, नहीं तो उसके आइलैंड पे जाता, बगविल नहीं इसके आइलैंड पे तो जाके आया हूँ, नैतिक प्रो भी नहीं, टेक्नो गेमर भी नहीं, ये सब ये गाइस एफके वाले बंदे, इसके आइलैंड पे जाता हूँ। और गाइस ये देखो अब मैं इसको ये देने वाला हूँ डायमंड्स, रिक्वेस्ट ट्रेड करता हूँ, देखो ये ट्रेड करता है कि नहीं, क्योंकि मुझे अभी डायमंड्स की ज़रूरत तो नहीं है, मैं आपको ऐसे दिखा रहा था बहुत सारे डायमंड है, मतलब आप ऐसे धंधा कर सकते हैं यार, एक शीप नहीं मर रही इससे, मर गई, ओके। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि मतलब दिखाए तो अभी मैं आपको पूरा दिन का प्रॉफिट बताने वाला हूँ कितना हुआ। तो ट्रेड कर ले भाई, ट्रेड कर ले, हेलो ट्रेड कर, ट्रेड कर, एक्सेप्ट कर ट्रेड मेरी, ओके। तो अरे करना यार क्या कर रहा है, हाँ कर लिया गाइस कर लिया, कुछ मत दे मेरे को बदले में, ये ले ले, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, क्या हो रहा है गाइस, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, ये ट्रेड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं इसको दो स्टैक डायमंड दे रहा हूँ फ्री में, तभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं फिर से ट्रेड भेजाऊँ, मतलब ट्रेड रिक्वेस्ट भेजाऊँ इसको, और गाइस ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और ये एक्सपायर भी हो गया, रुको ट्रेड फिर से उसने भेजा है मुझे ट्रेड रिक्वेस्ट, तो अभी मैं देखता हूँ, नहीं हो रहा गाइस, ग्लिच हो गया, ग्लिच हो गया, भलाई का धंधा नहीं, रुको ऐसे ही दे देता हूँ। और अभी मैं अभी मैं आपको प्रॉफिट दिखाने वाला हूँ मेरा, कि मेरा पूरे दिन में कितना हुआ है, और गाइस ये ग्लिच हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, ओके। तो अभी मैं
आपको दिखाने वाला हूँ मेरे पूरे दिन का प्रॉफिट कितना हुआ है। शायद 25,000, ये देखो ये इतना हुआ है, और मेरे बैलेंस में अभी पता नहीं कितने होंगे। मैंने विड्रॉ भी किया है बहुत सारा, और गाइस इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है आपको, मतलब अगर आप डालोगे ना पैसा तो आपको एक इंटरेस्ट मिलता है एक दिन में, उसका पता नहीं कितना परसेंट मिलता है लेकिन मिलता है। मुझे $8 मिला है 767 का। तो क्या